बार होम अगेन, कैच हो सकता है वहां पर, फील्डर से काफी दूर गेंद जरूर थी, सीमा रेखा के काफी करीब से फील्ड किया वहां पर फील्डर ने, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इससे 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, डबल अंकों में जा पहुंचा है 12 रन। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, इस बार क्रॉस द लाइन खेला है, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के काफी नजदीक से, बेहतरीन फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग का नजारा इस बीच फील्डर आयुष की ओर से। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए उन्होंने। पिचर आइटम और द विकेट, गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज धवल की ओर से डाउन द ग्राउंड स्टोको खेला है, इस पिच गेंद जा रही है सीधे मिड ऑफ के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील करे तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, एक पहले तो फाइटिंग स्कोर बनाया गया कप्तान की ओर से 99 रनों का, उसके बाद ये एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, कंजूसाई भरी गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज धवल आहिर की ओर से। स्टंप छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा इस बीच अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। इस बार हवा में गेंद जरूर है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, फाइन लेग के ऊपर सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया गया वहां पर फील्डर्स की ओर से। से 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, बिल्कुल सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है वहां पर, गेंदबाज धवल आहिर की ओर से अपने इस पहले स्पेल में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, लगने वाला है दूसरा झटका। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से, काफी बड़ा लक्ष्य जरूर है 100 रनों का निर्धारित 8 ओवर में। बार फुल टॉस बनाकर खेला है वहां पर डाउन द ग्राउंड स्टोको खेला बल्लेबाज ने, गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर जारी, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है गेंदबाज धवल ने अपने कोटे का ये पहला ओवर। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज।
इस बार हल्की सी मिसफील्डिंग और सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस बार व्हाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रन। इस बार डाउन द ग्राउंड टू को खेला है बल्लेबाज ने, गेंद आई है सीधे लोगों फाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद गेंद को फील करे, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। इन स्विंग गेंदबाजी, ये पूरा श्रेय जाएगा गेंदबाज की ओर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की जा रही है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन। सम्मानजनक स्टोक को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, हमारे जो मनोज भाई पवार है वो भी मैच को देख रहे हैं, धर्मपुर से यहां पर मैच को देखने के लिए आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला है बल्लेबाज ने, पूरे यॉर्कर लाइन की गेंद जरूर थी वहां पर सीधे लोंगोन के ऊपर, फील्डर गेंद को फील करे, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी का ये चौथा ओवर जारी 27। 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार रिवर्सिप खेलने का प्रयास, पूरी तरीके से बीट हुए गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से, ये एक बेहद ही बेहतरीन सोच मानी जाएगी गेंदबाज की बात की जाए तो। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज की ओर से, थोड़ा सा आगे जरूर आ चुके थे बल्लेबाज, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज की ओर से। डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां पर फील्डर मौजूद गेंद को फील करे, तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति। इस बीच चार ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, अब बल्लेबाजी की बात की जाए 4 ओवर के बाद तो। पारी का ये पांचवा ओवर जारी।
34 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर है मुबारक। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा रेवा देवी हीरोज और ओम साई के बीच में, तो दोनों ही कप्तान से विनंती करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। पारी का ये 5वां ओवर जा रही, टीम 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है 34 रन। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा रेवा देवी और ओम साई के बीच में, तो दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। पारी फुल टॉस गेंद जरूर थी, पॉइंट के ऊपर स्टूको खेला है, एक बहुत ही चुस्त फील्डर माने जाते हैं धवल आहिर, अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर धवल आहिर की ओर से। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन लेकर। ये पॉइंट के ऊपर से कट के आए, निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे, काफी ज्यादा आउटफील्ड तेज से ग्राउंड के ऊपर।